गाइस अभी अभी एंड हुआ है युमा वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में मैच, और गाइस ये मैच जो है युमा ने जीत लिया है। और गाइस इस मैच को जीत के जो है युमा सक्सेसफुली यहाँ पे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हो चुकी है। गाइस इस मैच का जो है फाइनल विसल के बाद का स्कोर था 26 पॉइंट्स पटना पायरेट्स और 30 पॉइंट्स युमुम्बा। 4 पॉइंट से जो है युमुम्बा इस मैच को जीती। और गाइस आज के मैच के यहाँ पे मैं स्टार ऑफ दी मतलब यहाँ पे स्टार प्लेयर यहाँ पे मैं किसी एक को यहाँ पे इसका दर्जा नहीं दूंगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो है रेडिंग में अभिषेक सिंह ने 7 रेड पॉइंट्स लिए, मतलब गाइस इतना कोई खास प्रदर्शन नहीं किया। बट उसके बावजूद डिफेंस में जो है फजल अतराचली ने यहाँ पे जो है 4 टैकल पॉइंट्स लिए, और गाइस अपनी टीम को जो है जीत दिलवाने में महत्वपूर्ण यहाँ पे योगदान दिया। उसके अलावा प्रदीप नवाल ने 8 रेड पॉइंट्स लिए, मोहम्मद नबी बख्श ने 4 रेड पॉइंट्स और 1 टैकल पॉइंट दिया, हादी ओस्ट्रोक ने भी 4 टैकल पॉइंट्स लिए। उसके अलावा गाइस कोई भी मेन यहाँ पे प्लेयर यहाँ पे टीम में नहीं खेल पाया पटना पायरेट्स की। बेशक जो है रेडिंग में यहाँ पे जो है 2 पॉइंट्स का ही मार्जिन था, डिफेंस में जो है स्कोर बराबर था, एक्स्ट्रास में भी यहाँ पे स्कोर बराबर था, मेन डिफरेंस 4 पॉइंट्स का आया, 2 पॉइंट्स का यहाँ पे ऑल आउट में और 2 पॉइंट्स का यहाँ पे रेडिंग के अंदर यहाँ पे मार्जिन आया। अगर गाइज यहाँ पे जो है टीम ऑल आउट नहीं होती पटना पैट्स की, तो गाइज आज के मैच में मेरे हिसाब से जो है ये मैच पटना पैट्स जीत भी सकती थी या फिर ये मैच जो है टाई पे भी खत्म हो सकता था। गाइज मेन मैच की हाईलाइट ये रही कि आज के मैच जो है बेशक 8 पॉइंट्स लिए यहाँ पे प्रदीप नरवाल ने, बट उसके बावजूद भी उतने अच्छे तरीके से यहाँ पे चलने नहीं दिया प्रदीप नरवाल को पटना यहाँ पे युमा की टीम ने। गाइस युमा की टीम ने उन्हें 5 बार जो है टोटल आउट करा, जिसके चलते जो है इतनी मतलब अच्छी खासी लय में नहीं आ पाए यहाँ पे प्रदीप नरवाल। और गाइस आज के मैच में जो है पटना पैट्स को हार मिली, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि आज के मैच में जो है पटना पैट्स जो है हारेगी। इस हिसाब से स्टार्टिंग में खेल रही थी गाइस, उस हिसाब से नहीं लग रहा था। बट गाइस मेन मैच की हाईलाइट यही रही कि यहाँ पे फजल अतराचली चले और गाइस हर बार की तरह जो है प्रदीप नरवाल पे भारी पड़े, जिसके चलते जो है आज के मैच में जो है जीत मिली यहाँ पे युमा की टीम को, और युमा जो है सक्सेसफुल यहाँ पे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर चुकी है। सो गाइस शुरू में तहे लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं तो शुरू में जय हिंद वंदे मातरम।